हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी F14 5G में आप फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पहले वाली जो ऑप्शन है स्क्रीन लॉक टाइप, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगी फिंगरप्रिंट्स की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन लॉक सेट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे पैटर्न सेट कर लेते हैं। पैटर्न पे क्लिक करेंगे, पैटर्न ड्रॉ करेंगे, कंटिन्यू, फिर से ड्रॉ करेंगे एंड देन कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है अपनी फिंगर को फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है, ऐसा आपको धीरे धीरे करना है। आपको इसे पूरा फिल करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है। आपको भी ऐसे धीरे धीरे करके फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट स्कैन हो चुका है। देन आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से डन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा।